तो हाय गाइज, इस चैप्टर में अपन बात करेंगे जो प्राचीन नाम हैं, जो उपनाम हैं व्यक्तियों के, और उनका जो स्थान या क्षेत्र के बारे में अपन बात करेंगे, पढ़ेंगे, मतलब रिवाइज करेंगे चैप्टर को सही तरह से और आसान भाषा में। तो वन लाइनर क्वेश्चन है ये, तो हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड करते हैं फ्रेंड्स। तो सभी प्यारे भैया और बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कंटेंट आपको मिलेगा और बिल्कुल सही कंटेंट मिलेगा। तो चलते हैं कि गणित व तर्क शक्ति का जादूगर। देखो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है गणित का और तर्क शक्ति का जो जादूगर है राजस्थान में, सर्वोत्तम सिंह भाटी। क्या है? सर्वोत्तम सिंह भाटी है, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, आपको याद करना है सर्वोत्तम। अब देखो, सर्व धन उत्तम, यानी कि जो उत्तम व्यक्ति रहता है वही आविष्कार करता है ना, तो वही उसकी तर्क शक्ति तेज होती है। तो तर्क शक्ति और गणित का जो जादूगर है, मैजिशियन, वो कौन है? सर्वोत्तम सिंह भाटी। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान की जो लता है, यानी कि राजस्थान की जो बेल है, वो कहाँ पर है? सीमा मिश्रा। कौन है? सीमा मिश्रा, ध्यान रखना, मिश्रा से बेल और सीमा से राजस्थान की लता। देखो, एक लता होती है जो सीमा बना लेती है ना, क्या बना लेती है? सीमा। इससे याद करो, केमल मैन की बात करते हैं, अशोक टाक, है ना। देखो, टाका कौन लगाता है? केमल मैन लगाता है ना, टाका आदमी, तो अशोक केमल मैन कौन है? अशोक टाक। आगे बढ़ते हैं, घोड़े वाले बाबा। देखो, घोड़े वाले बाबा कौन है? कर्नल जेम्स टोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, घोड़े वाला बाबा के नाम से प्रसिद्ध है कर्नल जेम्स टोड। आगे बढ़ते हैं, आदिवासियों की बाई जी, जो आदिवासियों की बाई जी है वो कौन है? मंजू राजपाल, ध्यान रखना, मंजू आदिवासियों में रहती है ना, तो आदिवासियों की बाई जी कौन है? मंजू। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का सी आर दास, यानी कि राजस्थान का सी आर दास कौन है? मुकुट बिहारी लाल भागराव, है ना, तो भागराव दास, सी आर लाल का बिहारी, मुकुट राजस्थान, है ना। तो आप ऐसे याद करो कि राजस्थान का सी आर मुकुट बिहारी लाल भागराव। आगे बढ़ते कि दा साहब, देखो दा साहब कौन है? राजस्थान के हरिभाव उपाध्याय, हरि भाव, भाव यानी बड़ा भाई, उपाध्याय पंडित टाइप के रहते हैं ना, हरि उपाध्याय, तो हरि भाव उपाध्याय कौन है? दा साहब, हरि भाव, हरि हो गया भाव, है ना, दादा हरि हो गया। तो आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन है? मोहनलाल सुगाड़िया। देखो, मोहनलाल जी जो है आधुनिक राजस्थान, मॉडर्न, है ना, मॉडर्न के है ये, इसलिए ध्यान रखें। तो आधुनिक राजस्थान का जो निर्माता है वो कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है, सुखाड़िया क्या है? आधुनिक। राजस्थान का जो भागीरथ है, तो राजस्थान का भागीरथ है महाराज गंगा सिंह, राजस्थान का भागीरथ है महाराजा गंगा सिंह, ध्यान रखना, भागीरथ गंगा, भागीरथ गंगा, ऐसे ध्यान रखना आप, सॉरी ये थोड़ी सी मिसप्रिंट आ गई थी, हल्की सी के ज़्यादा नहीं है। तो राजस्थान के गांधी कौन है? आपको ध्यान रखना चाहिए, राजस्थान के गांधी है गोकुल भाई भट्ट, भट्ट है तो गांधी है ना, तो राजस्थान के जो गांधी है गोकुल भाई राजस्थान के गांधी, है ना, ऐसे ध्यान रखना। आधुनिक राजस्थान का निर्माता यानी कि मॉडर्न, मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान का निर्माता। ऐसे राजस्थान का भागीरथ तो महाराजा गंगा सिंह, कौन है? महाराजा गंगा सिंह। राजस्थान का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह। डिंगल भाषा का हेरोंस, देखो डिंगल भाषा का हेरोंस कौन है? पृथ्वीराज राठौर। कौन है?
पृथ्वीराज राठौड़, ध्यान रखना पृथ्वीराज राठौड़ है डिंगल भाषा का हेरोन्स। आगे बढ़ते हैं, राजपुताने का अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल 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 फजल 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 मुहणो तुनो तुनो तुनसी, ऐसे ध्यान रखना। राजपुताने का अबुल फजल कौन है? मोहणो तुनसी, मोहणो तुनसी। राजस्थान की मोनालिसा, देखो राजस्थान की जो मोनालिसा है वो कौन है? बनी ठनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की मोनालिसा है बनी ठनी। राजस्थान के प्रथम प्रौढ़ गद्यकार कौन है? प्रौढ़ जो गद्यकार है, पुराने गद्यकार है कौन थे? तरुण प्रभु, देखो प्रभु तरुण, तरुण प्रभु प्रौढ़, प्रौढ़ गद्यकार है ना, ऐसे ध्यान रखना। तो स्टील किंग कौन है? स्टील किंग है लक्ष्मी निवास मित्तल, यानी कि मित्तल क्या करते हैं? मित्तल परिवार अधिकतर स्टील का काम करते हैं ना, मतलब स्टील के बनाए वगैरह बर्तन बनाना। तो स्टील किंग बुरा मत मानना, ठीक बता रहा हूँ, लक्ष्मी निवास है ना, यानी कि निवास पे ही स्टील बनती है ना। किंग कौन बनाता है? लक्ष्मी बनाती है ना। राजा को कौन बनाती है? लक्ष्मी, क्योंकि राजा लक्ष्मी की पूजा करता है इसलिए स्टील किंग। नंगाड़े का जादूगर, देखो नंगाड़ा जो होता है, अब नंगाड़ा ज़्यादातर रामकृष्ण बजाता है, ध्यान रखना कि ज़्यादातर राजस्थान में कौन बजाता है नंगाड़ा? रामकृष्ण, कहीं भी चल जाओ रामकृष्ण बजाता है नंगाड़ा। वो क्या करता है? नंगाड़ा राजस्थान में रामकृष्ण बजाता है, तो इसलिए ध्यान रखो कि नंगाड़े का जादूगर कौन है? रामकृष्ण। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, मेरा फ़ोन आ गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें फ्रेंड्स।